10 कमाल के क्रोम एक्सटेंशन जो स्टूडेंट्स या फिर टीचर्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला। तुम कैसे अपने टाइम को मैनेज करते हो उसी के ऊपर तुम्हारा प्रोडक्टिविटी डिपेंड करता है, और प्रोडक्टिविटी ही वे एक चीज है जो स्टूडेंट्स या फिर टीचर्स को बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल बनाता है। तो आज के इस वीडियो पर मैं लेकर हाजिर हूँ 10 बहुत ही यूजफुल क्रोम एक्सटेंशन जो आपके प्रोडक्टिविटी को 10 गुना इंक्रीज करने वाला है। देखना इस वीडियो को लास्ट तक और लाइक। सो पहले नंबर पे आता है स्पीचिफाई। ये एक ऐसा क्रोम एक्सटेंशन है जो कि तुम्हारे लिए कोई भी आर्टिकल या फिर टेक्स्ट को रीड करेगा। तो अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो इसका मतलब से ना तुम अपने असाइनमेंट्स, एसेस या फिर स्टडी नोट्स, इवन जीमेल्स तक भी सुन सकते हो। एंड टीचर्स या फिर प्रोफेसर्स भी कोई भी आर्टिकल्स या फिर रिसर्च पेपर या फिर पीडीएफ बुक इन सबको कंज्यूम करके अपना जो नॉलेज है उसको बढ़ा पाएंगे और अपने स्टूडेंट को भी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। देखे मतलब नॉलेज हाँ अच्छी तरीके से पढ़ाई हो जाए। नंबर टू, राइटबॉक्स। राइटबॉक्स एक बहुत ही सही जीमेल प्रोडक्टिविटी टूल या फिर एक्सटेंशन है जो जीमेल के साथ बहुत ही सीमलेसली इंटीग्रेट हो जाता है। मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम ना किसी भी जीमेल को अपने मन मुताबिक किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे शेड्यूल करके भेज पाओगे। एडिशनली इसमें तुम्हें मिलेगा पावर टेम्पलेट जिनको तुम सिग्नेचर्स के बीच में बहुत ही इजिली स्विच कर पाओगे। सो जीमेल के रिलेटेड बहुत ही बढ़िया एक एक्सटेंशन है ये राइटबॉक्स। ओके, तुम लोगों के मन में ये अभी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सिर्फ एक्सटेंशन ही क्यों यहाँ पे सॉल्यूशन चल रहा है स्टूडेंट्स टीचर्स के लिए। तो देखो, अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो एजुकेशन काफी ज्यादा डिजिटलाइज्ड हो चुका है आज के डेट में, और ज्यादातर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं और कंप्यूटर्स लैपटॉप्स का भी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो क्रोम एक्सटेंशंस बहुत ही ज्यादा यूजफुल टूल हो जाता है इस केस में। नंबर 3 जो एक्सटेंशन है उसका नाम है स्टे फोकस। आज के डेट में हमारे लाइफ में सोशल मीडिया बहुत ही नेगेटिव कुछ इफेक्ट्स ला रहा है। जी हाँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ घंटा भर घंटा सोशल मीडिया को स्क्रॉल करना और जो लाइफ का मेन मोटो है अच्छे से पढ़ाई करना उसी को भूल ही जाना। अभी आप कहोगे कि सोशल मीडिया तो स्मार्टफोन में होता है तो एक्सटेंशन क्या स्मार्टफोन पे डाल दे। देखो, सोशल मीडिया कंप्यूटर में हम लोग यूज कर लेते हैं, लॉग इन एक बार हो जाए तो फिर लॉग आउट हम करते हैं। नोटिफिकेशन के बाद नोटिफिकेशन आता रहता है, स्क्रॉल यहाँ पे चलता रहता है, बड़ा बड़ा दिखता है सब कुछ, अच्छा लगता है दिखने में, तो ये सब कुछ डिस्ट्रैक्शन। तो उस टाइम पे ना ये जितने भी सोशल वेबसाइट्स है वो डिस्ट्रैक्टिंग बन जाए, तो ये सब डिस्ट्रैक्टिंग वेबसाइट्स को ब्लॉक करेगा ये स्टे फोकस्ड एक्सटेंशन। इसका एक कमाल का ऑप्शन है जिसका नाम है न्यूक्लियर ऑप्शन। इसको सेटिंग्स में जाकर अनेबल करते ही ये जितने भी डिस्ट्रैक्टिंग वेबसाइट्स आपका टाइम ले रहा है उन सभी को ना ब्लॉक कर दे। तो फोकस्ड रहने के लिए तुम इस एक्सटेंशन को यूज कर सकते हो, बताना कमेंट करके कैसा लगा। नेक्स्ट बात करते हैं एवरनोट के बारे में। स्टडी के वक्त नोट्स बनाना कितना ज्यादा जरूरी है ये हम सभी को पता है, और यही काम बहुत ही आसान तरीके से तुम्हारे लिए करेगा ये एवरनोट वेब क्लिपर एक्सटेंशन। कोई भी ऑनलाइन कंटेंट जैसे कि वेब पेजेस, ईमेल्स, इन सब से आसानी से नोट्स को कैप्चर कर सकता है ये एक्सटेंशन। प्लस तुम इसकी मदद से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और तुम्हारे जरूरत के हिसाब से किसी भी स्पेसिफिक पार्ट का स्क्रीनशॉट तुम इसकी मदद से ले पाओ, और नोट्स बनाने के बाद ऑफलाइन तुम इसको यूज कर पाओ। तो ये काफी बढ़िया फीचर लगा मुझे इस एक्सटेंशन। नेक्स्ट यानी नंबर 5 में है टूडूइस्ट एक्सटेंशन। देखो, ये बात तो हम सभी को पता है कि अगर हम कोई भी काम रूटीन के हिसाब से करते हैं ना तो उसका प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है ना। तो इसी चीज को तुम काम में लाने के लिए टूडूइस्ट को यूज कर सकते हो। बस अपने सारे काम को इस एक्सटेंशन में ऐड करते जाओ और ये तुम्हें किसी भी टास्क को ना भूलने नहीं देगा। प्लस ये तुम्हें ऑटोमेटिकली सजेस्ट भी कर देगा कि कौन सा टास्क तुम्हें कौन से डेट में कौन से टाइम में करना चाहिए। तो है ना स्मार्ट। हाँ, ये एक रिमाइंडर की तरह काम करे। सो इसको यूज करो और अपने वर्क फ्लो को बहुत ज्यादा बेहतरीन बनाओ। अगला है डुअलस। मेरे जैसे कितने सारे लोग होंगे जो कि एक ही टाइम पे दो दो स्क्रीन यूज करते हैं अपने लैपटॉप में। मतलब स्टूडेंट्स के लिए तो एक कॉमन सी बात है, एक स्क्रीन पे लेक्चर चल रहा होता है और दूसरे स्क्रीन पे अपना नोट को बनाते रहते हैं। So, इसी काम को बहुत ही आराम से करने के लिए सीमलेसली करने के लिए तुम डुअलस एक्सटेंशन को यूज कर सकते हो। ये एक्सटेंशन तुम्हारे लिए वो सारे जरूरी काम कर देगा। तो इसको ना तुम अर्जेंट बेसिस पे काम में ले सकते हो। क्या है कि मान लो कि अचानक मुझे कोई भी नोट्स वगैरह कलेक्ट करना है, बहुत ही मतलब सीरियस टॉपिक चल रहा है, तो तुम सिर्फ दो क्लिक में यहाँ पे अच्छे खासे रेशियो के साथ जो है दो टैब्स को, दो ब्राउजिंग टैब्स को अलग कर पाओगे। आप देख सकते हो कुछ ऐसे काम करता है, कितना इजी है भाई। नंबर 7 में है ऑटो हाईलाइट। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट करना काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है कभी कभी, बट इस एक्सटेंशन के साथ ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा। इसके इतने हाई एक्यूरेसी को देखकर मेरे को ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज लगा। सच बता तो मैंने इतना भी नहीं सोचा था। किसी भी डॉक्यूमेंट या फिर FIR मैसेज का जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं उनको हाईलाइट करना हो तो इस एक्सटेंशन को तुम यूज करके देख सकते हो, काफी कमाल का है। नंबर 8 कामी एक्सटेंशन। कामी एक फ्री एक्सटेंशन है जो तुम्हें ब्राउजर में ही किसी भी PDF डॉक्यूमेंट को एडिट करने का ऑप्शन देता है। हाँ, ये ऑफलाइन काम करता है और बहुत ही सारे फ्री फीचर्स के साथ आता है। तो
तुम गूगल ड्राइव, गूगल क्लासरूम, किसी से भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट को लेकर एडिट कर पाओ। बढ़िया बात कि टीचर्स और स्टूडेंट्स कोलैबोरेटली इस एक्सटेंशन के मदद से वो काम कर सकते हैं, एडिट वगैरह कर सकते हैं। ओके, आगे बात करते हैं निम्बस एक्सटेंशन के बारे में। इसके मदद से तुम अपने ब्राउजर का स्क्रीनशॉट या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग आराम से ले पाओगे, बहुत ही आराम से। इवन तुम यहाँ पे अपने स्क्रीनशॉट्स को ना एडिट भी कर पाओगे, लाइक वाटरमार्क हो गया या फिर टेक्स्ट, इमेज, सब कुछ यहाँ पे ऐड ऑन कर पाओगे। एंड आज के इस लिस्ट में लास्ट जो एक्सटेंशन है उसका नाम है टाइड। डिटर्जेंट वाला नहीं, ठीक है, ये तुम्हारे प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देगा बहुत ही कमाल के न्यूट्रल व्हाइट नॉइस, फोकस टाइमर, फोकस स्टेटिस्टिक्स जैसे फीचर्स के मदद से। तुम इसमें अपने कस्टमाइज्ड फोकस टाइमर एंड ब्रेक टाइम अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो टाइड एक्सटेंशन यूज करो और बहुत ही बढ़िया फोकस के साथ काम करो भाई। काम ही तो जीवन है। बाकी सभी एक्सटेंशन का जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, एक लिंक रहेगा, उसमें जाने के बाद सभी का लिस्ट है, एकदम से सॉर्ट करके रखा है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। और हाँ, जरूर चेकआउट करने के बाद बताना कमेंट सेक्शन में कि कौन सा वाला सबसे ज्यादा पसंद है और क्यों पसंद है। और अगर ऐसे टाइप का और भी वीडियोस चाहिए तो फिर उसका भी आप न्योता दे सकते हो, हम बना देंगे। डेफिनेटली इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करना, अपने भाई बहनों के साथ। और हाँ, अगर तुम चैनल पर नए हो तो फिर स्वागत है चैनल पर, सब्सक्राइब कर सकते हो। सो मिलते हैं किसी वीडियो के साथ। सो गुड बाय।